ବାରଣାସୀରେ ମୋଦି ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ନୌକା ବିହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ସୁସଜିତ ନୌକାରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅଶି ଘାଟରୁ ଦଶଅଶ ମେଧ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନୌକା ବିହାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୌକା ବିହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୌକା ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। किस तरीके से हम अपने मेहमान का, अपने अतिथि का देव रूप में हम स्वागत करते हैं, किस तरीके से हम पलकों पर बिठाते हैं, किस तरीके से हम उनका पुष्पार्चन करते हैं, किस तरीके से उनका हम अभिनंदन करते हैं। और आज काशी जो कि सांस्कृतिक नगरी है, काशी जो कि भारत की धरोहर है, वो गदगद हृदय और उन्मुख कंठ से स्वागत कर रही है इन दो महान नेताओं का, इन दो महान विभूतियों का, दो महान राष्ट्रों का, दो महान संस्कृतियों का। और निश्चित तौर से एक विलक्षण क्षण होगा जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा स्वर्णाक्षरों में, और जिस पे आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी, जो किंवदंतियों में भी लोगों में प्रचलित होगा। एक ऐसे सशक्त भारत का स्वरूप, एक ऐसे सबल भारत का स्वरूप, एक ऐसे समुन्नत भारत का स्वरूप, एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप जिसके दिग्विजय की ध्वज पताका लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण विश्व में भारत के शक्ति का, भारत के दर्शन का, भारत के भारत की वैश्विक ताकत के रूप में उसके ध्वजवाहक बने हुए हैं और नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବାରଣାସୀରେ ମୋଦି ମାକ୍ରନ୍ ଆଜି ନୌକା ବିହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ସୁସଜିତ ନୌକାରେ ଘାଟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ମେହମାନ କେ ସାଥ ଜିସକା ଉନ୍ହୋନେ ସ୍ୱାଗତ କିୟା ଅତିଥି କେ ରୂପ ମେ ଦେଓ କେ ରୂପ ମେ ଔର ଗୁଞ୍ଜାୟମାନ ହୋ ଉଠା ଏକ ବାର ଫିର କାଶୀ ହର ହର ମହାଦେଓ କେ ସାଥ ହର ହର ମୋଦି କେ ନାରୋ କେ ସାଥ ये विलक्षण सम्मान है किसी नेता को मिलने वाला, ये विलक्षण सम्मान है। काशी किसी को अपने सराखों पे नहीं बैठाती सिवाय महादेव के, हर हर महादेव का नारा यहाँ गुंजायमान होता है, लेकिन काशी ने सराखों पे बैठाया माँ भारती के सुपुत्र और गंगा के पुत्र नरेंद्र मोदी को, और यहाँ से प्रतिनिधित्व देकर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया और काशी की गलियों में हर हर मोदी का नारा भी यहाँ गुंजायमान हुआ। अब यहां से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विशिष्ट मेहमान अतिथि देव स्वरूप इमैनुअल मैक्रॉन आगे की यात्रा तय करेंगे, जो कि कहीं ना जो कि आगे की यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए, नदेसर से होते हुए आगे की यात्रा होगी ताज होटल तक, जहां पर विश्राम का भी कार्यक्रम होगा, जहां पे जलपान का भी कार्यक्रम होगा, कुछ अन्य स्थिति जहां पर अनौपचारिक तरीके से दोनों नेता संवाद करेंगे कि किस तरीके से आपसी संबंधों को कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्य औपचारिकताओं से परे ले जाकर भी सांस्कृतिक रूप से एक नया आयाम दिया जा सके, जो कि विश्व में शांति स्थापित करने में कारगर साबित हो, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भारत की मूल भावना को चरितार्थ करे। और भारत फ्रांस संबंधों की अगर बात करें तो बेहद ही ये प्रगाढ़ है, बेहद ही ये सशक्त है, और वही उन्हीं प्रगाढ़ और सशक्त संबंधों में एक नया आयाम आज जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन की इस यात्रा से, जो कि काशी के 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक की एक अंतर यात्रा थी हिंदुस्तानियत की, एक अंतर यात्रा थी भारतीय संस्कृति की, धर्म की, वैभव की, भारत के साथ ही साथ समूचे हिंदुस्तानियत की, और जो कि विस्मय कर देने वाला है पूरी दुनिया के लिए। इस समय अपने विशिष्ट मेहमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से होती हुई ये यात्रा जाके अलग अलग स्थानों से होके एक विशेष होटल में जाके ये परिवर्तित होगी, जहां पर कुछ ये हूँ सही समय चित्र आम आपको देखा वाराणसी मोदी माक्रन जोभली भाव नौका विहार ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ସୁସଜିତ ନୌକାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅଶି ଘାଟରୁ ଦଶଅଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହେଉଛି ବାରଣାସୀର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ନୌକା ବିହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଜି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୌକା ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। 2014ରେ ଅଶି ଘାଟରୁ ମୋଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବି ଏଉଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ
ଆଜି ମୋଦି ଏବଂ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ ନୌକାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ବାରଣାସୀର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠି ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।